नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पलपल। स्वास्थ्य विभाग के दबंग से है जान का खतरा, फर्जी रेट डालकर रिश्वत मांगने का लगा है आरोप। आप देख रहे हैं हिसार पलपल से परवीन कुमार की ये रिपोर्ट। जी हां, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी पर दवाइयों की दुकान पर फर्जी रेट करवाने और जान से मारने की धमकी देने के लगे हैं आरोप। आरोप है कि अधिकारी अपने आप को दबंग बताता है और खुलेआम रिश्वत भी मांगता है। यह आरोप है कि ऋषि नगर स्थित शिव शक्ति मेडिकल हाल के संचालक सुरेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोलर सुरेंद्र चौधरी पर लगाए हैं आरोप। हिसार में पत्रकार वार्ता को आयोजन किया गया और उसमें मेडिकल स्टोर के संचालक सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र चौधरी ने 20 सितंबर को उनकी दुकान पर फर्जी छापा मारा। फर्जी छापे में फर्जी ग्राहक के पास में प्रतिबंधित दवाइयों को बरामद दिखा करके उसे फंसाने का प्रयास किया गया है। उसने बताया कि मेरी दुकान पर दवाओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। ये तो ड्रग कंट्रोल ने पूरे हिसार में अपना जाल फैला रखा है, जो मेडिकल स्टोर संचालकों से उगाही का काम करते हैं। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र के वकील मुल्क राज मेहता ने इस संबंध में बताया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर का पिछला इतिहास भी दागदार रहा है। ड्रग कंट्रोलर ने उनके मुवक्किल के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की है और उसे जाति सूचक गालियां भी दी थी, जिसके संबंध में उन्होंने शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोलर इस तरह के कोई आरोप लगे हों। नाम बदलते रहते हैं लेकिन पद के दुरुपयोग का आरोप लगते रहते हैं। कई बार आरोप लगाने वालों को झूठे पाए जाते हैं। प्रतिबंधित दवाओं को बेचने व बिना रिकॉर्ड के दवाइयां बेचने के मामले में यह कई बार सामने आए हैं। इस मामले में भी मेडिकल स्टोर संचालक एक महीने बाद मीडिया के सामने आने और मेडिकल एसोसिएशन के पास न जाने के संबंध में पूछे गए सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अब ये मामला कितना सच्चा है या झूठा है, ये तो पुलिस मीडिया के सामने बताने से इनकार कर रही है। हालांकि पूरी जानकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालकों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच में बने सिस्टम में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी के साथ आप देख रहे हैं पलपल की ये खास रिपोर्ट। सर 20 तारीख को जब मैं 3:15 बजे मेडिकल आता हूँ तो मेरे मेडिकल में 2-3 आदमी होते हैं, मेरे को भीड़ नजर आती है। जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताया कि चौधरी है और छापा डालना है। बिल्कुल फर्जी छापा है सर, 100% फर्जी छापा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको DVD दे रहा हूँ, इस DVD में देखो कहीं छेड़छाड़ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरे को धमकी भी मिल रही है। मैं हो सकता है अगली बार आपको नहीं मिल पाऊँ क्योंकि इसकी बहुत ऊपर तक पहुँच है। हो सकता है मेरे को मरवा भी दे, बट बहुत गुंडे टाइप का आदमी है सर। मेरी पिटाई की, मेरे ड्राइवर को पीटा, मेरे फार्मासिस्ट को पीटा और मेरे को बद्दी गालियाँ दी। सर जिंदगी में पहली बार इतनी बद्दी गालियाँ सुनी है मैंने किसी एक रेजिडेंट ऑफिसर से, जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। इसका नाम लेकर के बोले आप, सुरेश चौधरी, जो अपने आप को दबंग बताता है सर। वो बार बार मेरे को ये कह रहा है कि लोग मेरे को दबंग नाम से जानते हैं, मेरे को लोग दबंग नाम से जानते हैं, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे नहीं आपका मेडिकल नहीं चल सकता। और वही हुआ सर, अगर मैंने सामने हुआ तो मेरे पे फर्जी रेड लगा दी, जो कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी मेरे पास सेल और परचेज के टोटल बिल जो मैं बिल हैं सभी को उपलब्ध करा रहा हूँ। जो दवाइयाँ मिली हैं वो मेरे पास से मिली, उनकी सेल और परचेज का रिकॉर्ड है। जो दवाइयाँ मेरे पास नहीं थी बाहर से जो डाली गई है वो बोगस था, 100% फर्जी छापा था। और मेरे को डराया धमकाया गया सर, और मेरे से डिमांड भी रखी गई। और अब मेरे को इतनी धमकी मिल रही है मैं सोच नहीं सकता, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके और एक झंडा ठाया है भाई चलो एक कम से कम मेरे को कुछ तो ये मिल रहा है लोगों का सहयोग, जो मैं आज आपके पास हूँ, जो आपको सही बात रख रहा हूँ। आप गए हैं, क्या चाहते हैं अभी क्या होना चाहिए? अभी मेरे साथ न्याय इंसाफ होना चाहिए सर, बट आगे किसी भाई के साथ गलत रेट नहीं हो। मतलब बोगस रेट जो है वो सर ये पैसे देके करवाते हैं खुद, इनको पता है कल किस पे करना है, इनको पहले पता होता है 4 दिन बाद में किस पे रेड मारनी है, इनको 5-10 दिन पहले पता चल जाता है भी कल अब शिकार किसको बनाना है। अब फिलहाल उसके दिमाग में जो चल रहा है वो उसका टेस्ट करा लो, पता है उसको किस पे रेड करनी है। हर गली में इसके पैसे लेने वाले बैठे हैं, फांसी बरवाड़ा जो जितने भी हिसार में जितनी तहसीलें हैं हर जगह इसके आदमी हैं जो इसको परमानेंट पैसे इकट्ठे करके देते हैं। उसमें साफ नजर आती है कि झूठी है ये, और जो उन्होंने ये कहानी बनाई है कि हमने एक आदमी को भेजा 400 रुपये देकर और दवाइयाँ खरीदी गई और उसके बाद उसने इशारा किया और इशारे के बाद जो है ना हमने जाकर उस आदमी से दवाइयाँ बरामद की और तो दुकानदार से जो है ना वो 400 रुपये बरामद किए। ये सरासर झूठी कहानी है। वो आप DVD देखोगे तो उसमें वो 2 बार आता है और दवाइयाँ उसकी पहले ही जेब में होती है और फिर जो है ना वो उसको जो सुरेश चौधरी धक्का देकर अंदर कर रहा है और फिर उसी से उलझ रहा है। तो ये सारी कहानी सारा के फर्जी है और इसके लिए जो है ना जो ऑफेंस बनता है 218 IPC का और 167 IPC का और 465 471 जो उन्होंने किया है और ये जो है ना सारा रिकॉर्ड बनाया। और इसके बाद उसने जो जैसा कि इन्होंने बताया कि उसने एक वो जो इनका ड्राइवर था धानक पास से था भगीरथ, उसको भी जो है ना उसने जाति सूचक गालियाँ दी हैं धान का और ऐसे डेड वगैरह कहा है उसको। तो उसके लिए भी वो धारा 3 में जो है ना के तहत जुर्म बनता है और इसके लिए जो है ना इन्होंने SP और उसको SHO थाना सिटी को दरखास्त भी दी हुई है 26/10 को और अभी वो उन्होंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया, जबकि मैंडेटरी है जो धारा 4 SC एंड ST एक्ट में ये केस रजिस्टर करना चाहिए और तफ्तीश करनी चाहिए। जो मर्जी तफ्तीश में फैसला करें लेकिन केस करें जो है ना उनको रजिस्टर करना जरूरी है। इसके अलावा इसने अपील भी की है और यहाँ मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे अगर 2 बार जुर्म होते हैं तब लाइसेंस इसका कैंसिल किया जा सकता है। और ये जो लिखवा लेते हैं आप जितने भी ड्रग्स एक्ट के केस देखोगे सभी में ये स्टेटमेंट लिखवा कर अपना दस्तखत करवा लेते हैं और ये बताएंगे किन हालात में ये ऐसा लिखा गया। इसकी दुकान बंद थी जब CD ये इसके हाथ में जो इसने वो CD को अपने जो CCTV कैमरा में जो उसकी CD बनवाई तब इसको ये मिला कि अब मेरे पास सबूत है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए ये आगे बढ़ा है। और आपको मैंने भी पहले गवर्नमेंट को लिखा है कि ये ऑलरेडी करप्शन केस में बरी हुआ है और ये गवाहों को मुनकर करके उनको पैसे देकर बरी हुआ है और इसके खिलाफ जो है ना गवर्नमेंट को इंक्वायरी करके इसको जो है ना डिसमिस किया जाना चाहिए और ऐसे सभी एम्प्लॉय को पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए कि जो पैसे देकर गवाह मुनकर करते हैं तो उनको निकाला जाए।